जय हो नीम करौली बाबा जी की। तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम नीम करौली बाबा जी के आश्रम में, जो कि एक हिंदू टेम्पल है इन भवाली रेंज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। क्योंकि हम आए हुए हैं दिल्ली से, तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से दिल्ली से कैंची धाम पहुँच सकते हो, आप कहाँ पे रुक सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल गेस्ट हाउस और जो प्राइवेट गेस्ट हाउस हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से लो बजट में आप दिल्ली से कैंची धाम पहुँच सकते हो, यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, डोरमेट्री की क्या व्यवस्था है, दर्शन किस तरीके से होते हैं, आरती की क्या टाइमिंग है, ये हर एक चीज इस व्लॉग में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली से कैंची धाम जाना चाहते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं बस से, तो बस से आप आनंद विहार से बस ले सकते हैं और कश्मीरी गेट से बस ले सकते हैं। अगर आप कश्मीरी गेट से बस ले रहे हो तो आपको हल्द्वानी के लिए या फिर आपको नैनीताल के लिए बस लेनी पड़ेगी। अगर आप आनंद विहार से बस लेते हो तो आनंद विहार से सीधे आपको कैंची धाम के लिए बस मिल जाएगी। जो भी उत्तराखंड रोडवेज की जो बस अल्मोड़ा बागेश्वर गरुड़ पिथौरागढ़ जाती है, वो आपको कैंची धाम उतार देगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप आनंद विहार से पहले हल्द्वानी जा सकते हो, हल्द्वानी जाने के बाद आप अगेन वहां से टैक्सी या बस से कैंची धाम उतर सकते हो। तो जो भी ऑप्शन आपको कन्वीनियंट लगता है, उस ऑप्शन से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो क्योंकि हम जब आनंद विहार पहुंचे तो वहां पे अल्मोड़ा वाली जो बस थी उसमें जो सीट थी वो बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी और हम ज्यादा लोग थे, तो इसलिए हम अल्मोड़ा वाली बस को हमें स्किप करना पड़ा और हम गए पहले हल्द्वानी। तो हल्द्वानी वाली बस में हम बैठे तो उसने 5 से 5.5 घंटे में हमें हल्द्वानी पहुंचा दिया था। और आनंद विहार से हल्द्वानी का जो टिकट है वो है 450 रुपये। तो हल्द्वानी पहुंचने के बाद जब हमने टैक्सी वालों से बात करी तो टैक्सी वाले जो किराया ले रहे थे हल्द्वानी से कैंची धाम जाने का, वो था 300 रुपये। अदरवाइज अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस ले रही है आपके 110 रुपये। तो हम बस से गए। तो बस से आप हल्द्वानी से कैंची धाम अगर जाना चाहते हैं तो आपका लगता है 1.5 घंटा। तो क्योंकि ये अभी सीजन चल रहा है, आप गर्मियों का टाइम है, तो आप देखोगे कि जो अभी स्कूलों की भी छुट्टी पड़ी हुई है तो हर कोई पहाड़ों की तरफ जा रहा है घूमने के लिए, कोई गांव जा रहे हैं, कोई घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो हम 1.5 घंटे में ना पहुँच के हमें 2.25 घंटे और 2.5 घंटे लग गए थे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने क्या किया, हम जब 1 किलोमीटर बचा हुआ था कैंची धाम तो वहाँ पे हम उतरे बस से और पैदल पैदल फिर हम आराम से चले गए आश्रम। तो ये हुई बस की बात। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से सीधे काठगोदाम आ सकते हैं और काठगोदाम से कैंची धाम 38 किलोमीटर है। वहाँ से बाहर से भी आपको टैक्सी और बसेस मिल जाती हैं, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट बस से आना चाहते हैं या आप ट्रेन से आना चाहते हैं। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं कैंची धाम। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर देखिए क्योंकि हम सीधे कल हम दिल्ली से निकले थे कैंची धाम के लिए, तो अभी हमको फ्रेश होना है, नहाना धोना है, क्योंकि उसके बाद ही हम आश्रम में दर्शन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है, अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं। नॉर्मली 90-95% जो श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन करते हैं और उसी दिन निकल भी जाते हैं, बट जो 5-10% हैं वो क्या करते हैं, रुकते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस भी हैं। अगर आपको ऑफिशियली रुकना है, मतलब जो ऑफिशियल कैंची धाम का जो मैनेजमेंट है उनका जो गेस्ट हाउस है वहाँ रुकना है, तो आप सिंपली उनको मेल कर सकते हैं, ये मेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज प्राइवेट गेस्ट हाउस भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल संपूर्णा नंद होम स्टे है यहाँ पे, निर्मल होम स्टे है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस में मिल जाएंगे, डोरमेट्री भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे एक जो बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो मुझे लगी वो ये है कि आप 100 रुपये दीजिए, जो भी यहाँ पे प्राइवेट जिनके घर बने हुए हैं वहाँ पे आप 100 रुपये दीजिए, वो आपको नहाने धोने की प्रॉपर व्यवस्था देते हैं, गर्म पानी आपको मिल जाएगा। तो आप नहा धो के फ्रेश होके देन उसके बाद अपना कपड़े वपड़े चेंज करके आप जा सकते हो बाबा जी के दर्शन करने। तो सेम हमने भी किया, हमने 100 रुपये दिए और उसके बाद हमने अपने नाना धोना किया, कपड़े चेंज करे, कपड़े चेंज करने के बाद अब हम निकल चुके हैं बाबा जी के दर्शन करने। तो अभी सीजन है तो उस टाइम पे भीड़ भी थोड़ी ठीक ठाक थी, तो हमने प्रसाद लेने के बाद हम सीधे चले गए बाबा जी के दर्शन करने। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो कैंची धाम के अंदर
जो मंदिर है उसमें फोन अलाउड नहीं है और वीडियोग्राफी भी मना है, तो इसलिए हमने अंदर जो कोई भी वीडियोग्राफी नहीं करी, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे डांट भी पड़ सकती है, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो अंदर बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, अंदर आपको प्रॉपर दर्शन कराए जाते हैं। आप पहले प्रसाद ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, अब आप प्रसाद भी ले जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप सुबह जल्दी पहुंच जाते हो तो 6:15 अगर आप पहुंच जाते हो गर्मियों के टाइम पे, तो आप आरती में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप जो बरामदा है यहाँ पे सामने, पहले तो ये था कि भीड़ कम हुआ करती थी तो आपको अंदर बैठने भी दिया जाता था और आप आराम से जो आश्रम है अंदर आप आराम से बैठ सकते हो। अभी क्या है कि क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से आप बाहर जो बरामदा है वहाँ पे बैठ सकते हो, आप हनुमान चालीसा का अध्ययन कर सकते हो, आप प्रॉपर वहाँ पे बैठ के भक्ति भाव में लीन हो सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके पास कितना टाइम है। तो हमने क्या किया, हम अंदर पहले दर्शन करे, दर्शन करने के बाद हमने हनुमान चालीसा और संपूर्ण अध्ययन किया और थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद फिर हम यहाँ से हमने एग्जिट करने का सोचा। एग्जिट पे आप यहाँ पे प्रसाद लेके उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो। भीड़ आप देख सकते हो कि भीड़ जो है वो ठीक ठाक भीड़ यहाँ पे इस टाइम पे है, क्योंकि ये इसी सीजन में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आपको कैंची धाम आना है तो जो सबसे बेस्ट टाइम है कैंची धाम आने का वो है मार्च टू जून, दूसरा सेप्टेम्बर टू नवम्बर, राइट। तो और मार्च टू जून इस टाइम पर भीड़ जो होती है वो बहुत ठीक ठाक होती है। तो ये बात हो गई दर्शन की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आप यहाँ पे रुक कैसे सकते हो। देखो दो चीज़ें, अगर आप लंबे टाइम के लिए रुकना चाहते हो, अगर आप एक दो दिन के लिए रुकना चाहते हो, तो ऑफिशियली आप जो कैंची धाम का मैनेजमेंट है उनको आप एक मेल लिख सकते हो और आप मैक्सिमम 3 नाइट के लिए यहाँ पे रुक सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे प्राइवेट जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। सामने यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे, नॉर्मली आप इजीली यहाँ पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का भी यहाँ पे आसपास अब जो बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ठीक है, और जो खाना है वो भी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो अंडर बजट आपको बहुत अच्छा खाना भी यहाँ पे मिल जाता है। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप सीधे यहाँ पे आएँ, अगर सुबह सुबह आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप 100 रुपये दे के अपना नहा धो के अगेन आप चेंज करके बाबा जी के दर्शन कर सकते, वो भी एक बहुत ही बेस्ट तरीका है जो मुझे लगता है। अगर मैं बात करूँ कि कैंची धाम क्यों आना चाहिए, तो देखिए कैंची धाम जो है एक, अगर आप देखोगे तो जो आपका भवाली अल्मोड़ा का जो हाईवे है वहाँ पर ये जस्ट आपका जो सिप्रा नदी है उसके पास में ये आश्रम बना हुआ है। अगर आश्रम इतना सुंदर बना हुआ है कि अगर आप कभी भी आप इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा आप शांति चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये जो आश्रम है और जो नीम करोली बाबा जी हैं वो इतने विख्यात हैं, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इतने ज़्यादा विख्यात है। खासकर आप US में देखोगे, यूरोप में देखोगे कि बाहर से भी लोग यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, 1970 में उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। मार्क जुकरबर्ग अपने फेसबुक के अर्ली टाइम्स में उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। और मुझे अभी भी याद है जब नरेंद्र मोदी जी US गए हुए थे तो एप्पल के हेडक्वार्टर में मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें बताया था कि अपने अर्ली टाइम में वो किस तरीके से, स्टीव जॉब्स ने जब उनको बताया तो वो कैंची धाम आए थे। वो आए थे एक दिन के लिए पर रुक के गए 2 से 3 दिन। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप पीस और काम के लिए कोई जगह देख रहे हैं तो आप कैंची धाम आ सकते हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आराम से मंदिर में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ का वेदर इस तरीके का है, एटमोसफियर इस तरीके का है, वाइब इस तरीके की है कि आपको बहुत ही शांति मिलेगी, राइट। तो अगर मैं बात करूं कैंची धाम की, तो ये भवाली से 9 किलोमीटर है, नैनीताल से 17 किलोमीटर है, काठगोदाम से 38 किलोमीटर है, ठीक है। अगर ट्रेन की बात करूं, काठगोदाम तक जो ट्रेन आती है तो आप यहां से सिंपली उत्तर संपर्क क्रांति से आ सकते हो, काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस से आ सकते हो और रानीखेत एक्सप्रेस से आ सकते हो। अगर एयरपोर्ट की बात करूं तो आप पंतनगर एयरपोर्ट से आ सकते हो जो कि 72 किलोमीटर दूर है और सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट यही है। बट यूजुअली एयरपोर्ट से मैंने इतने ज़्यादा लोगों को आते हुए नहीं देखा है, तो इसलिए आप ये अवॉइड कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो या तो आप बस से आ सकते हो जो कि आपको सीधे यहाँ पे छोड़ेगी, या फिर आप ट्रेन से आ सकते हो जो कि आपको काठगोदाम उतारेगी, ठीक है। अगर आपको आश्रम में रुकना है तो आपको एडवांस में, मैंने जैसे कि बताया, आपको 20-25 दिन पहले यहाँ पे मेल लिखना पड़ेगा,
अदरवाइज आप लोकल गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हो, और बात की फैसिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया 100 रुपीज में है, वो भी आप यहाँ पे इजिली एकोमोडेट कर सकते हो। यहाँ पे पार्किंग की भी आपको व्यवस्था मिल जाती है, अगर आप किसी गेस्ट हाउस में रुक रहे हो तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्किंग है, अदरवाइज पार्किंग का भी यहाँ पे प्रॉपर स्लॉट बनाए हुए हैं और मिनिमम चार्जेस में आप यहाँ पे पार्किंग में भी अपनी गाड़ी लगा सकते हो। दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो अपने घर के लिए, आप प्रसाद ले जा सकते हो या फिर बाबा जी की फोटोज़ हो गया, मालाएं हो गया, वो भी आप यहाँ पे ले जा सकते हो। वो भी बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं छोटी छोटी, वहाँ पे आप ये शॉपिंग भी कर सकते हो। प्लस अगर आपको भूख लगी हुई है तो आसपास में बहुत सारे अब रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, पहले इतने सारे रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, तो आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खा सकते हो। और अगेन क्योंकि देखिए ये सारे टाइम अगर आप, मैं प्रॉपर ये दर्शन की बात करूँ या शॉपिंग की बात करूँ, तो आप 2-3 घंटे में इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। ये करने के बाद आप अगेन दिल्ली के लिए बस ले सकते हो, मंदिर के सामने से ही आपको बस भी मिल जाएगी, तो आप सीधे हल्द्वानी या फिर दिल्ली के लिए बस भी ले सकते हो, जो कि बेस्ट है। दर्शन करने के बाद और शॉपिंग करने के बाद यहाँ से हमने बस पकड़ी हल्द्वानी के लिए, हल्द्वानी में अगेन हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी और उसके बाद रात की बस पकड़ के हम सीधे पहुँच गए सुबह घर। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा व्लॉग कैंची धाम नीम केवली बाबा जी के आश्रम के लिए कि आप कैसे आ सकते हो, रुकने की क्या व्यवस्था है। अगर इस व्लॉग में अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हो, और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। जय हो नीम करौली बाबा जी की।